चलिए बुलेटिन में बात करेंगे कोरोना के कहर की। सबसे पहले बात करेंगे भोपाल की। कोरोना के 32 नए मामले सामने आए। राजभवन में कोरोना के 5 नए मामले सामने आए हैं। राजभवन में अब तक कुल 35 मरीज मिल चुके हैं। बस स्टैंड के पास मेडिकल स्ट्रीट में भी 3 मरीज मिले हैं। हमीदिया अस्पताल के ओल्ड नर्सिंग कैंपस में 3 पॉजिटिव पाए गए हैं। 32 नए मामले फिर से सामने आए हैं। राजभवन में 5 मामले, राजभवन में अब तक कुल 35 मरीज मिल चुके हैं। बस स्टैंड के पास मेडिकल स्ट्रीट में 3 मरीज मिले हैं। हमीदिया अस्पताल के ओल्ड नर्सिंग कैंपस में 3 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और संजय डोंगर हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, अब फिर से नए मामले, 32 मामले सामने आए हैं और राजभवन में हम देखें लगातार मामले बढ़ रहे हैं। देखा जाए तो जिस प्रकार से कोरोना महामारी का संक्रमण जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि मध्य प्रदेश के काफी सारे क्षेत्रों में बढ़ता जा रहा है, जिसमें देखा जाए तो भोपाल जो एक अपन जो भोपाल राजधानी है उसमें जब अगर कोरोना के पेशेंट बढ़ रहे हैं और उसके बाद भी अगर ये देखा जाए राज्यपाल राजभवन में अगर इस प्रकार के पेशेंट बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं चिंता की बात होती है। अभी तक देखा जाए तो टोटल 35 से अधिक पेशेंट राजभवन से कोरोना पॉजिटिव निकल गए हैं। इसके बाद भी अभी तक इसके ऊपर रोक नहीं लगाई जा सकी। कल की बात करें तो कल 5 पेशेंट जो वहां के निकले कोरोना पॉजिटिव निकले थे और उसके बाद अगर टोटल देखें तो कल 35 पेशेंट से ज्यादा अभी तक भोपाल में कल की रात की जो रिपोर्ट हुई हो उसमें निकल के आए हैं। इसी में से अगर एक अच्छी खबर यह भी है कि इसमें से अधिकतर आज जो डिस्चार्ज होने वाले लोग हैं उनकी भी गिनती अच्छी है, वो भी आज कोरोना के संक्रमण से ठीक होकर बाहर निकलेंगे। और इसी प्रकार से आज हमीदिया ने भी आज तीसरी बार हमीदिया से भी पेशेंट ठीक होकर निकल रहे हैं। ये अपने आप में कहीं ना कहीं एक संतोष की बात है कि हमीदिया में भी अब इसका ट्रीटमेंट अच्छे स्तर पर होने लगा है और वहां से भी अब लोग ठीक होकर जा रहे हैं। लेकिन ऋतु अगर देखें तो राजभवन में जिस प्रकार से कोरोना पॉजिटिव के पेशेंट मिल रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। और अब ये देखना होगा क्या इस कोरोना के जो पेशेंट है संक्रमण जो है राजभवन में कितना और अभी पांव पसारता है। अभी 35 पेशेंट हुए हैं, 35 में से अब देखना होगा कि कितने पेशेंट अभी ठीक होकर घर पहुंच गए हैं और उसके बाद भी क्या कोरोना का वहां पे जो संक्रमण का रोकथाम हो रही है या नहीं और कब तक हो पाती है। जी ऋतु, बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए संजय।